色白净。

लग रहा होगा देखिए कि बहुत सारे स्टेप्स होंगे बहुत ही डिफिकल्ट है ये मेकअप लुक क्रिएट करना बट यू गैस नो दिस आई ऑलवेज लाइक टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू और बहुत ही आसानी से आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो इन डिटेल एंड डेफ्थ में आपको दिखाऊंगी की कैसे ये लुक क्रिएट करते हैं एंड वेन हैव टॉक अबाउट मेकअ इन जनरल आई ऑलवेज सेट दट स्किन के प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक यू मेकअप लास्ट लॉन्गर एंड इट लुक्स गुड सिट्स वेल ऑन यूर स्किन सो वी एगन स्टार्ट विथ स्किन केयर फॉलोडअ विद मेअप टूटोरियल सो विदर्दर यू लेट्स बी कैन

Citric like acid is known to fight acne and treat acne. This product also helps to control excess oil production by the skin. Light gel-based formula is and best part. This is non-greasy, has a matte finish, and it does not dry out your skin. And for moisturizer, I'll be using Clear Plus Gel Moisturizer by Ecologica. Again, this one has a light gel-based formula. for the quickly skin may absorb It does not dry out the skin. It has a non-greasy matte finish texture. It keeps the skin moisturized and hydrated throughout the day. This is enriched with green tea lactic acid, hyaluronic acid again, this is great for sensitive and acne prone skin. This works on active acne and pimples, controls excess oil production. It's also going to boost the effectiveness of the acne character that I used on my face. Also, guys, this entire clear press range is fragrance free and color free. This brand is also vegan, cruelty free, and clean. brand These products are available on Nika, Amazon, and Ecologica's official website. And every time you make a purchase on Ecologica's website, you help someone in need to get access to clean drinking water. So, if you're interested, I will provide a link

स्किन पे मेकअप और अच्छा भी दिखेगा सो सो स्टार्टिंग द मेकअप प्रोटीन बाय अप्लाइंग फिक्स प्लस ऑल ओवर माय फेस दिस इज गोना एक्ट एज अ हाइड्रेटिंग प्राइमर फॉर माय फेस ताकि अच्छे से जो भी प्रोडक्ट मैं अप्लाई करूँ ना वो सेट हो जाए मेरे फेस पे इसलिए मैं ये एज अ बेस अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले फॉर द मेकअप नेक्स्ट अपने कला करेक्टर यूज कर रही हूँ लिप्स के आसपास स्पेशली माउथ के आसपास क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे ज्यादा पिगमेंटेशन है अगर मैं बिना कला करेक्टर यूज करे फाउंडेशन अप्लाई कर दूंगी ना तो एकदम ऐश दिखने लगेगा सो अच्छे से कला करेक्टर अपलाई करने के बाद मैंने ब्लेंड किया विद हेल्प ऑफ माई फिंग ब्लेंडिंग इस तक की ब्लेंड करने के बाद आपको कम से कम पांच मिनट तक वेट करना है ताकि कलर करेक्टर अच्छे से सेट हो से रहा है अंडर आई so, पे अप्लाई किया ओवर माई आईलेट जहां जहाँ पे प्रोमिनेट एक् दिख रहा है वहां पे अप्लाई किया मैंने विनोज के आसपास एंड लास्टली लिप्स के अराउंड मैंने इसलर करेक्टर को अप्लाई किया देन विद्प ऑफ अस्ॉल कंसिलर ब्रश आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग दोडक्ट इंटर माई स्किन जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को अप्लाई किया प्लेस किया वही वही ब्लेंड करूंगी मैं विद्पऑफ मोशन एंड लिटिल दी प्रोडक्ट इन टू माई स्किन नॉ विद्रांसलूस माई आईलेट सो अवॉइड एनी क्रीसिंग ऑन माई आईलेट्स नॉलेट स्टार्ट विद द आई शेडोज इट्स टू डू जस्ट बी विद मी ऑन दिस ने यूज किया मैट न्यूट आई शेडो इन अग फ्लफी ब्रश एंड गोइंग टू अपलाई दिस बैक एंड फोर्थ मोशन में ऑल ओवर माई क्रीज फिर एक दूसरे ब्लेडिंग ब्रश पिक किया ये डीप मरून कलर एंड आई एम गोइंग टू पैट इट एंड प्लेस इट ऑल ओवर माई लिड जो भी पैलेट्स में यूज कर रही हूँ ना उन सब का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो पे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको पैट पैट मोशन में अप्लाई करना है प्रोडक्ट को ऑल ओवर योर लिड अगर आप हल्का सा भी ड्रैक करना, करना शुरू कर दोगे तो अच्छे से प्रोडक्ट को आप प्लेस नहीं कर पाओगे एंड यू विल एंड अप अपसिंग योर आई लुक सो गो विद दी पैट पैट मोशन फर्स्ट पहले प्लेस कर लो प्रोडक्ट को अच्छे से ऑल ओवर योर लिड एंड वंस आई एम हैप्पी विद द इंटेंसिटी ऑफ द आईलेट कलर आई विल गो बैठ

अच्छे से ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करने के बाद आई एम गोइंग बैक विथ माई ब्लेंडिंग ब्रश अगेन टू ब्लेंड अज माई ब्लेंडिंग स्टेप अप्लाई करने के बाद आई शेडो क्रीस को ब्लेंड करना मत भूलना एंड नाउ फॉर फाउंडल दिस वे फाउंडेशन इन दिट प्रलाइन दिस इज अली ग्रेट मैच फॉर माई स्किन टोन लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है आई वॉर्ट दिस फाउंडेशन फॉर मोर देन टेन आवर्स सो मैंने एक ही पम्प फाउंडेशन का यूज किया डॉट करके पूरे फेस पे, पे अप्लाई किया और फिर फाउंडेशन ब्रश की मदद से डैब एंड ड्रैग मोशन की मदद से मैंने ब्लेंड करना शुरू किया इस प्रोडक्ट को इनटू माय स्किन एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पे इस रिगार्डिंग फाउंडेशन जब या फाउंडेशन अप्लाई करते हैं अपने फेस पे पे अपने नेक अप्लाई करना मत भूलना और आप लोग देख सकते हो हो कितने अच्छे से ये मेरे स्किन स्किन पे ब्लेंड जा रहा था एकदम लाइक फिनिश -like दे रहा था इवन दो दिस इज लाइक मेकअप बट यू नो आई देन एम यूज अ कंसीलर दैट इज वन शेड लाइटर टू माई स्किन टोन दिस इज टू हाईलाइट अंडर माई आईज सो मैंने अंडर आई पे आउटर कॉर्नर पे और टीजोन पे इस कंसीलर को अप्लाई किया ब्लेंड हेल्प ऑफ माई कंसिलर ब्रश तो मैंने जहाँ भी प्रोडक्ट को प्लेस किया ना वही वही उसे ब्लेंड करूंगी और फिर की तरफ हल्का सा करूंगी, really आपको समझ में आता है ट्रांसलूस पाउडर सो ऊपर की तरफ देखिए अच्छे से सेट कर रू टू अवॉइड एनी क्रीस लाइन उसके बाद मैंने अपने पूरे फेस को सेट किया विद हेल्प ऑफ दिस ट्रांसलूसन पाउडर क्योंकि मैं ये मेकअप काफी लंबे समय तक पहनने वाली थी इसलिए मैंने पूरे फेस को टाइम लेके अच्छे से सेट किया नोज के आसपास लिप्स के आसपास नेक को भी अच्छे से सेट किया मैंने इट्स टाइम टू डिफाइन लोअर लैश लाइन उसके लिए मैंने एक छोटे पेंसिल ब्रश की मदद से दो शेड्स ऑफ मरून मिक्स किए डार्कर शेड ऑफ मैट मरून एंड अदर वन इज लाइटर शेड ऑफ मैट मरून और मैंने लोअर लैश लाइन को डिफाइन किया फिर एक छोटे फ्लैट आई शेडो ब्रश में सेटिंग से अप्लाई करने के बाद मैंने वो प्रेस्ट ग्लीटर पिक किया जो कि हम लोग ने आईलेट पर अप्प्लाई किया था एंड देन आईंग टू अपलाई दिस ऑन दी वन थर्ड एरिया ऑफ माई लोअर लैश लाइन आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से यह अप्लाई हो पा रहा था जस्ट बिकॉज मैंने सेटिंग्स से पे पहले यूज किया था फिर उसी फ्लैट आई शेडो ब्रश मदद से मैंने हाइलाइटर पिक किया दिस इज हाइलाइटर और मैंने इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट किया उसी की अपनी को भी डिफाइन किया फिर ब्लैंड किया विद्प ऑफ माई फिंगर्स फिर एक फेल्टिपर पेन की मदद से आईम गोन स्मॉल फ्लिक एंड गोइंग टू मेक अंग आई लाइनर जब मैंने ओरिजिनली ये लुक को क्रिएट किया था ना मैंने ज्यादा डिफाइंड नहीं रखा था मेरे विंगड आई को बट अब जब मैं इसे क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने हल्का सा डिफाइंड दिखाया है फ्लिक को जो विंग पार्ट होता है ना विंग आई को उसको बट आप चाहो तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो really बट आई रियली इट लुकिंग मच बेटर देन ओरिजिनल लुक दैट आई क्रिएटेड उसके बाद आई अप्लाइड फ्यू कोड्स ऑफ वॉटर रेजिस्टेंट मस्कारा ऑल ओवर माई आई लैशेज उसके बाद आई अप्लाइड फॉलसीज ऑफ कैमरा दिस इज पैक एम सेवेंटी टू पूरा एम सेवेंटी टू आई लैशेज अप्लाई ने किए थे हल्का सा पार्ट सामने से काटने के बाद मैंने इसे अप्लाई किया अपने आई लैशेस और मैंने जो ओरिजिनल आई है ना उसके साथ ये फॉल्स को अच्छे से प्रेस कर दिया एंड आई मस्कारा विच इज वॉटर प्रूफ मस्कारा एंड अप्लाइड दैट ऑल ओवर माई लोअर लैश टू डिफाइन लोअर दिस स्टेप रियली ह्यूज डिफरेंस टू एंटायर आई लुक सो अच्छा खासा कोट मैंने लोअर पे अप्लाई किया था आई वॉज नॉट वेरिंग एंड देन आई डिड ब्रोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड ऑफ बाई कोई आईब्रोज एंड देन आई स्टार्ट फिलिंग अप एरिया ऑफ माई आईब्रोज सामने सामने मैंने हल्का हल्का सा फिल किया और फिर आर्क एरिया पे जहा पे आईब्रोज कम है वहाँ पे ज्यादा ज्यादा मैंने फिल किया ताकि वो नहीं और एक ही जगह पे इंटैक्ट रहे माई चीक सो यूजली जैसे मैं कॉन्ट्रोल करती हूँ अपने फेस पे वैसे मैंने ब्लश को अप्लाई किया दैट ऑन माई चीक्स एंड ऑल्सो ऑन माई चीक बोन्स ड्रैगिंग इट इन दी अपर डायरेक्शन सो मैंने दोनों साइड अच्छे से ब्लश अप्लाई किया so उस पे हल्का सा ब्लश अप्लाई करने के बाद चिन पे भी मैंने ब्लश अप्लाई किया उसके बाद कॉन्टोर माई फेस दैट आई एम यूजिंग अ ब्रॉन्जर एक्चुअली टू कॉन्ट्रोल माई फेस जहाँ पे ब्लश अप्लाई किया था उसके नीचे हल्का सा कॉन्टोर अप्लाई किया एकदम प्रोमिनेंट कॉन्ट्रोल वाला लुक नहीं चाहिए था बट हल्का सा चाहिए था मुझे आई ऑलो कॉन्ट्रोल माई जॉ लाइन माई हेयर लाइन नोज को कॉन्ट्रोल करने के लिए मैंने ब्रश को पहले पिंच किया उसके बाद नोज को हल्का सा कॉन्टोर किया सो so, अब आप लोग देख रहे हो विदाउट पिकिंग एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑन माई कॉन्टोर ब्रश आई एम ब्लेंडिंग दी हार्श एजेस ऑफ माई कॉन्टोर एंड ब्लश लाइन गोइंग बैक एंड फोर्थ फॉर माई चीक बोन फॉर माई जॉ jaw and now to carve out my contour and blush line I used a big fluffy brush उसमें मैंने pick किया translucent powder काफी सारा और मैंने दो straight line create किए and without keeping it for less than 30 seconds मैंने उसे blend करना शुरू कर दिया और मेरा blush और contour का line भी अच्छे से carve out हो गया this is again a skippable step but बड़ी pictures में काफी अच्छा लगता है बहुत well defined लगता है आपका face एंड देर एम यूजिंग सेटिंग स्प्रे ऑल ओवर माई फेस टू सेट माई एंटर मेकअप एंड जो भी पाउडर प्रोडक्ट मैंने यूज किया दट इज ऑल्सो को ब्लैंड विद ईच अदर और बहुत अच्छा सा ब्लेंडेड लुक मुझे मिलेगा सो सेटिंग स्प्रे यूज करने के बाद मैंने फैन किया अपने फेस को फॉर कपल ऑफ सेकंड उसके बाद एक ब्यूटी स्पॉन्ज की मदद से अच्छे से टैप टैप किया प्रेस किया प्रोडक्ट को इन टू माई स्किन एंड नाउ एम यूजिंग दी हाईलाइटर दिस इज अगेन शैम्प इन पॉप इन माई हाईलाइटर ब्रश एंड अपलाइंग ऑन दी हाई एस्ट ऑफ माई फेस सेटिंग स्प्रे के बाद हाईलाइटर यूज करने से क्या होता है कि और अच्छे से निखर के आता है आपका हाईलाइटर

इट वॉज बिकॉज एवरीबडी वॉज कॉम्पलीमेंटिंग द लिपस्टिक सो सबसे पहले मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक यूज किया विच इज अम्फर्टेबल मैट लिपस्टिक दिस इज रेड सांगरिया फ्राम लैक में फ्राम देर फॉर एवर मैट रेंज सो आउटलाइन किया मैंने लोअर लिप्स को फिर फिल किया इस लिपस्टिक की मदद से और जब यह लिपस्टिक हल्का सा सूख गया ना तो इस लिप्स के सेंटर पे मैंने दूसरा लिपस्टिक अप्लाई किया था दिस इज अ मैट लिपस्टिक अगेन बट दिस इज लाइक अ क्रेन लिपस्टिक फ्रॉम कलबार इन द शेड सैबोटाज सेंटर पे इस अप्लाई करने से क्या हो गया कि लिपस्टिक ना और कम्फर्टेबल होगी एंड आई वॉज वेरिंग दिस लिपकॉमो फॉर

Your content on my channel, then you know what to do. Please make sure you subscribe to my channel if you haven't already. Like this video, share this video with your friends and family, and do not forget to comment. I love to read your comments. So, yes, guys, on that note, I'm gonna see you guys pretty soon with a brand new content on my channel. Bye, everyone. Take care.